आज पूरे देश में मदर डे मनाया जा रहा है, लेकिन पठानकोट में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने ममता और मां नाम के शब्द को शर्मसार कर दिया है। करीब 25 दिन पहले नागपुर से वैष्णो देवी दर्शन के लिए गया एक परिवार वापसी के समय अपने एक बच्चे को पठानकोट कैंट स्टेशन पर छोड़ गए। बच्चे की उम्र 12 वर्ष है और वह एड्स से पीड़ित है। पीड़ित मासूम का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत में अभी सुधार है। इस बारे में जब डॉक्टरों से बात की गई तो डॉक्टरों ने कहा कि पीड़ित पिछले करीब 25 दिनों से सिविल अस्पताल में, जिसे उसका परिवार रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया था, उसका इलाज चल रहा है। बच्चे को इस तरह छोड़ जाने के पीछे डॉक्टर गरीबी को वजह बता रहे हैं। दूसरी तरफ जब इस बारे में पीड़ित बच्चे से बात की गई तो उसने कहा कि वो और उसका परिवार माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। वापसी में उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसकी माँ उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चली गई, जिसके बाद वो सिविल अस्पताल चला आया। बच्चे ने बताया कि जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है और खाने के लिए वो अपने आसपास के लोगों पर ही निर्भर है। ਕਮਲ ਰੰਧਾਵਾ, ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ।